यह जानकारी मिली है एससीईआरटी से। संभवतः हर हाल में उम्मीद इसी हफ्ते दिख रही है, ठीक है, इसी हफ्ते उम्मीद दिख रही है। और सीटों की संख्या भी अधिकतम है, अब ऐसा नहीं कि 4000 पे, 5000 पे, 5500 पे लिस्ट आने वाली है, ऐसा भी नहीं होने वाला है। लिस्ट जब भी आएगी अधिकतम पदों पे आएगी और उम्मीद से ज़्यादा आएगी। मेरे हिसाब से जो सीटों की संख्या है या जो मुझे जानकारी अभी तक की प्राप्त है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे कहीं अभी तक की डिस्क्लोज नहीं किया है, वो तकरीबन ठीक है, वो 6000। एक ये भी कारण हो सकता है भाई कि या तो हम लोगों में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, इस वजह से नहीं आ पा रही है, ठीक है। और एक मेरे हिसाब से एक ट्यूटर जो मैंने एनालिसिस किया है अभी तक के, जो मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से जो ट्यूटर ट्रेंड ना करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि अब जितने जो मेन लीडर थे या कह सकते हैं जो मेन अगुवाकार थे, कहीं ना कहीं उनमें भी मतभेद की स्थिति पैदा हो गई है। सब अपने अपने वर्चस्व को स्थापित करने पे लगे हुए हैं। अरे मेरे भाई, वर्चस्व दिखा लेना, लिस्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद खूब वर्चस्व दिखाना कि हम सारा क्रेडिट दे देंगे, जिसको बोलोगे उसको क्रेडिट देंगे। यदि रंजीत यादव अपने लिए एक शब्द भी लिख दे कि नहीं, जो भी हुआ मेरे माध्यम से हुआ, विशाल गर्ग विसर्ग, जब आप लोगों ने कटाप बता दी है तो 22 फरवरी से सीधे लोग पीछे हट गए हैं भाई। विशाल गर्ग भाई, मेरे मित्र, कटाप जिसने बताई है, आप ये शिकायत उनसे करिए जाके, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, अभी कटाप वटाप की किसी भी जानकारी नहीं, कोई यहाँ अधिकारी नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, ना तो किसी ने लिस्ट अभी तक की देखी है, ठीक है। तो ये कटाप बताना, पहली बात तो जो बता रहा है तो उसकी बात पे कोई यकीन ही ना करे, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं भाई। जो लिस्ट आ जाने दीजिए, जो भी कटाप आएगी सहरसा सभी को स्वीकार होगा, वो सहरसा सभी को स्वीकार होगा, ठीक है। तो अभी इन सब चीज़ों को लेके इशू ही ना बनाइए कि कटाप आ रहे। अब रही बात की यदि आपको अब क्या ज़रूरत पड़ गई रंजीत यादव को ट्विटर पे आने की, तो भैया समस्या ये भी थी कि देव भाई का फोन है और ओवर हीटेड कर रहा है, इस वजह से समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। आज ही से गर्मी दिख रही है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि लिस्ट आने की सरगर्मी तेज हो गई, इसलिए इनका फोन भी जो ओवर हीटेड हो रहा है। खैर कोई नहीं, इन सब चीज़ों का कोई इशू नहीं है। हाँ तो बात करते हैं ये कि भाई मुझे आखिर ट्विटर पे आने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो भैया समस्या ये भी थी बड़े भाई कि मैं भी देख रहा था कि अब चूंकि ट्विटर के जो अगुवाकार थे वो लगातार प्रयास कर रहे थे, अभी उस बीच में मैं भी आके ट्विटर पे मैं भी लाइव आ जाऊं, मैं भी बात करने लगूं, तो एक बार वो लोग ये भी बोलेंगे कि ये देखो ये अपना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बाद में मुझे भी ट्रोल किया जाएगा कि मतलब जो है आप जब आप हम करा रहे हैं तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं। तो एक ये भी माध्यम था, तो मैंने सोचा चलिए हमारे बड़े भाई लोग प्रयास कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रयास करे, प्रयास होना चाहिए, ठीक है, प्रयास में कोई हर्ज नहीं है। यदि कोई प्रयास कर रहा है तो उसकी सराहना करनी चाहिए और साथ में उसका साथ भी देना चाहिए, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं था। क्योंकि मुझे लगा कि नहीं ट्रेंड हो पा रहा है तो क्यों ना एक बार फिर से दमखम के साथ आया जाए और प्रयास किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्वीट करें। देखिए अंतिम दौर चल रहा है, यदि सब लोग साथ दे दोगे ट्विटर पे, ठीक है, सब लोग साथ दे दोगे ट्विटर पे, तो संभवतः जो काम अभी 15 दिन में होने हैं वो काम 2-4-5 दिन में हो जाएं। क्योंकि इसी के बाद जो है आपका कोर्ट खुलने वाली, तो एक मुद्दा MRC भी जो हमारा मुंह फैलाए खड़ा हुआ है हमारे लिस्ट को लेके, प्लस इधर 26 को शायद आंसर की का मुद्दा भी टैग हो गया है, ठीक है, तो इनको भी संभालना है। और रही बात मेरे भाई किसका होना है किसका नहीं, भैया मोबाइल ओवर हीटेड हो रहा है, शायद सही से चल नहीं पा रहा है, मैं प्रयास करता हूँ अपने फ़ोन से लाइव आने के लिए, यदि अपने फ़ोन से आ पा रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो कल आज शाम को VC पे जुड़ के जो सारी चीज़ें हैं वो अवगत करा दी जाएंगी। क्योंकि भैया समस्याएं आ रही हैं तो क्या किया जाए बताएं,
या तो आप लोग बोलो तो मैं अपनी आईडी से एक बार फिर से प्रयास करता हूँ लाइव आने का। ठीक है, यहाँ पर एससीईआरटी पे सारी चीज़ें, चलिए अब चल रहा है तो देखते हैं, चलने दीजिए, चल रहा है तो चलने दीजिए। ठीक है, ठीक है, बाकी एससीईआरटी पे सारा चीज़ें सकारात्मक है। जो लोग मीटिंग के लिए दुविधा में थे वो भी निश्चिंत रहे, मीटिंग हुई है आज, बाकी जानकारी वो भी हो जाएगी किस चीज़ के लिए मीटिंग थी। ठीक है, ठीक है, तो हद है यार। ठीक है, तो प्रयास ये भी जारी है कि मतलब हाँ, तो बात ये कर रहे थे कि क्या बोलते हैं कि ट्विटर की, तो भैया मेरे हिसाब से एक बार सब लोग साथ दे दो, केवल सिंगल बार। जब आप लोग धरने में 2500 से 3000 लोग आ सकते हो, जब धरने में 25 से 3000 लोग आ सकते हो, तो क्या अपने सिलेक्शन के लिए, जो कि बिल्कुल दहलीज पे आके खड़े हो गए हो, बिल्कुल सिलेक्शन के दहलीज पे आके खड़े हो गए हो, तो क्या अपने लिए एक बार जो है ट्विटर पे का, अरे भैया वो चूँकि आर्यन वर्मा भाई, आयान वर्मा भाई फ़ोन हीट कर रहा है ना, तो पीछे से वो पंखा हिला रहे हैं, तो इसीलिए फूंक रहे हैं ताकि बात पूरी हो जाए। ठीक है, तो हाँ गंगवार भाई, मैंने बताया ना कि अभी किस चीज़ की मीटिंग थी उसका अभी कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ एक चीज़ तो तय है कि आज मीटिंग चल रही है। ठीक है, अरे क्यों कमाल भाई मजे ले रहे हैं। ठीक है, हाँ तो यही कह रहा था कि जब आप लोग मतलब खुद लखनऊ आ सकते हैं, इतना बड़ा धरना हम कर सकते हैं, अपने हक की लड़ाई अब जब अंतिम दौर में चल रही, तो क्या हम एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं? भाई कुछ सरकार से है कि सरकार विभाग से, या विभाग बीएसए से है कि बीएसए विभाग से, भाई इनके पास एक एक डाटा मौजूद है, इतना आप लोग समझ लीजिए। विभाग के पास एक एक सीट का डाटा मौजूद है, आप लोग खुद सोचिए कि मतलब एक महीने से आप लगातार चीज़ें मांग रहे हैं, आपको मिली नहीं रही, मतलब बीएससी इतना तानाशाह हो गया कि आपकी बात नहीं मानता है? आप लोग खुद सोचिए कि मतलब क्या बीएससी जो है इतना तानाशाह हो गया कि वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा है, डीजी सर की बात नहीं सुन रहा है, रेणुका मैम की बात नहीं सुन रहा है? ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, दो दिन में सस्पेंशन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये तो देखिए विभाग खाना पूर्ति कर रहा है कि कितना लेट हो जाए, सो की सीधी बात मैं बता रहा हूँ जो मुझे आज पता चला है कि ये लेट कर रहे हैं कि कितना लेट हो जाए, कितना लेट हो जाए। आप हर काम कर रहे हैं, हर काम सही समय पर कर रहे हैं, जितने भी काम होते हैं, जितने भी आप काम ले लीजिए, सारे काम सही समय पे हो रहे हैं, चाहे वेरिफिकेशन का हो, चाहे सैलरी का हो, ठीक है, सारे काम हो रहे हैं, आखिर हमारे ही काम में क्यों डिले हो रहा है? सोचने वाली एक बात है। दो बार डाटा भेजा, आप अपने जिले के बीएससी से आप बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे, एक एक चीज़ बता देंगे। आप क्या बात करते हैं बड़े भाई। ठीक है, तो एक मैं जो बता रहा हूँ कि भाई जब आप 22 तारीख के धरने में आकर के डीजी सर से या अन्य अधिकारियों से आप दबाव में ला करके उनको वीसी करवा सकते हैं मंत्री जी से, तो क्या यार हम धरना ट्विटर एक अभियान चला करके क्या हम घर बैठे वो भी क्या हम इतना काम नहीं कर सकते हैं? डाटा भेजा एक बार नहीं 200 बार डाटा भेजा, आप अपने संबंधित जिले के बीएससी से आप बात कर लीजिए। ट्विटर एक अभियान चला करके क्या हम घर बैठे वो भी क्या हम इतना काम नहीं कर सकते हैं? हमारी है कि हम सब निष्क्रिय हो गए, जनरल ओबीसी में फांद गए। अरे यार जनरल ओबीसी क्यों करते हो मेरे भाई? यदि मेरा होना होगा ना तो किसी की हिम्मत नहीं जो रुकवा पाएगा, और यदि नहीं होना होगा तो किसी की हिम्मत नहीं जो दिलवा पाएगा। तो ये जनरल ओबीसी वाला ड्रामा बंद कर दीजिए, एक घंटे का आप लोग मुझे टाइम दीजिए, कल एक घंटे का समय दीजिए, वादा करता हूँ बड़े भाई यदि इसी हफ्ते आपका जियो ना आ जाए
तो कभी दोबारा आके मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ट्विटर के लिए बात नहीं करता हूँ, दिन रात ट्विटर मुझे नहीं पसंद है खुद। आप एक घंटा दीजिए बस, 200 ट्वीट ट्वीट करो, 200 रिट्वीट करो, देखें ट्रेंड नहीं करता है। आज शाम को ही जिन जिन को देखिए, आज शाम को ही पहले से कम 25 से 30 ट्वीट पहले ही सेव कर लीजिए, और जिन जिन को टैग करना है उनमें सब में, जैसे आपको विभाग के किसी अधिकारी को टैग करना है तो ऐट द रेट लगा के टैग करिए आप उनको, ठीक है, ऐट द रेट लगा के टैग करिए। और 25 से 30 50 50 मैसेज आज ही शाम को सब लोग सेव कर लीजिए, और जैसे ही आपको कल हैशटैग मिले बस उसको कॉपी पेस्ट करिए। यदि आपने इतना समझ लीजिए 30 मैसेज सेव कर लिए आज, और 15 मिनट में कल उन 30 मैसेज को जैसे ही आप ट्वीट करेंगे, और एक बार ट्वीट करिए, ट्वीट करने के बाद जब आपकी लिमिट खत्म हो जाए तब रिट्वीट करिए। मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ भाई, आपका मुद्दा आधे घंटे में ट्रेंड हो जाएगा।